Good morning, everyone. Class, this is your economics lecture. I'm continuing chapter number 2, collection of data. Earlier we have studied methods of collecting secondary data, sampling method and census method. Now today we will study methods of sampling. Sampling ke methods. Data secondary data do tarah se collect kara jata hai. Ek hota hai census method aur ek hota hai sampling method. Now ab sampling ke bhi do methods hote hain. Methods of sampling. Methods of sampling. So, first one is purposive sampling. Purposive sampling, where the investigator purposely selected the lyrical items which he thinks are representative of the population. कभी कभी क्या होता है investigator जो है एक purpose के हिसाब से जो भी उनका purpose है जो information उन्हें collect करनी है जिस चीज के results उन्हें clarify करना है तो क्या सोचते हैं जो population की information already मौजूद है वो information को purposely collect करेंगे और अपना purpose पूरा कर सकते हैं but they may not be always representative since the personal element is a greater chance of entering into the selection of sampling पर वो कब तक possible नहीं है जब तक हर आइटम सैंपलिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होगा. सैंपलिंग में क्या होता है बताया था कि कुछ चीज़ों का सैंपल लिया जाता है उसके बेस पे बाकी सब चीज़ों का डिसीजन लिए जाते हैं. बट अगर हमें जैसे कोई सोसाइटी है बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं उन सोसाइटीज़ के लिए कुछ डिसीजन लेने हैं मेंटेनेंस का लेना है या टैक्स पे का कुछ भी डिसीजन लेने हैं गवर्नमेंट को. अब उसमें से उसे चार पाँच सोसाइटी का सैंपल लेके बाकी सारी सोसाइटीज़ को डिफाइन करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा. पॉसिबल कब होगा जब हर सोसाइटी में से एक घर का सैंपल लिया जाए कि सब एक जैसे हैं कि नहीं है. तो पर्पस ऑफ सैंपलिंग में क्या होता है अपने पर्पस के हिसाब से ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है उसको यूज करा जाता है. देन तो जरूरी नहीं है कि उसके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आए. इन्वेस्टिगेटर को सैंपल जो है इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो भी रिजल्ट है वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कलेक्शन करा जा रहा है डाटा वो उसके लिए सही रिजल्ट भी प्रोवाइड कर सके. क्या होता है इन्वेस्टिगेटर को अनबायस होना जरूरी है. अगर इन्वेस्टिगेटर पार्शियल हो गया किसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना है तो वो नहीं करेगा और जिसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिजल्ट निकालना है अगर उसने थोड़ी सी भी पार्शियलिटी कर दी इन्वेस्टिगेटर ने अपने कोई भी चीज़ को कलेक्ट करने में तो सैंपलिंग मेथड पर्पस ऑफ सैंपलिंग का जो मेथड है वो जो है उसके रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे वो बायस हो जाएगा वो पार्शियल हो जाएगा. मेरिट्स ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग. Merits of purposive sampling are as under. Purposive sampling, it is a simple method if the investigator is not biased. अगर investigator partial नहीं है biased नहीं है तो ये method बहुत ज़्यादा simple है. यूनिवर्स में अगर सारे जो नेचर सारे जो आइटम्स हैं जो भी डाटा कलेक्ट करा जा रहा है उस डाटा के जितने भी आइटम्स हैं अगर वो होमजीनियस है नेचर में सिमिलर हैं तो ये वाला सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है रिलायबल है किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. इट इज यूजफुल व्हेन द साइज ऑफ द सैंपल आर कैप्ट स्मॉल. ये कब काम आता है डाटा ये वाला सैंपलिंग मेथड पर्पस ऑफ सैंपलिंग मेथड जब काम आता है जब जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो उसका वो बहुत स्मॉल वे में हो उसका सैंपल बहुत स्मॉल हो जब ये इंफॉर्मेशन दी जाती है. इट इज एसेंशियल व्हेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स आर टू बी इंक्लूडेड. ये जब इम्पॉर्टेंट है जब छोटे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को इंक्लूड करा जा रहा है छोटे यूनिट्स को इंक्लूड करा जा रहा है ये सिस्टम जब इम्पॉर्टेंट है. डी मेरिट्स ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग. डी मेरिट्स कुछ नुकसान. देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर इसमें ये चांसेस होते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो पार्शियल हो सकता है. अगर वो पार्शियल हो गया तो रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएंगे. देयर इज नो इक्वल चांस ऑफ एवरी यूनिट टू बी सिलेक्टेड. हर यूनिट सिलेक्ट हो इक्वल चांस इसमें नहीं होता क्योंकि पर्पसेस सैंपलिंग में सिर्फ वही सैंपल लिए जाते हैं जो पर्पसली हमें लगता है कि हमारे लिए सही है. इसमें हर सैंपल का लेना ज़रूरी नहीं है. तो जब हर सैंपल के हर चीज़ का सैंपल नहीं लिया जाता तो उसमें भी चांसेस जो है रिजल्ट आने के वो एक्यूरेट नहीं होते. ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन पे नहीं चलता ये इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करता है. देयर इज नो गारंटी ऑफ सैंपलिंग. इसके अंदर सैंपलिंग में कोई गारंटी नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रैंडम सैंपलिंग. पहला था हमारा पर्पसिव सैंपलिंग.
next one is random sampling. रैंडम का मतलब एक के बाद एक हर चीज को सिलेक्ट करना, दैट इज रैंडम सैंपलिंग. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन सच अ लीड नथिंग इन टू द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग द रैंडम सैंपलिंग और चांस सिलेक्शन इज दैट द पर्सनल फैक्टर इज एलिमिनेटेड इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल डाटा. इन एवरी आइटम इन द ओरिजिनल हैज गॉट अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. रैंडम सैंपलिंग में क्या है कि जब ये होता है, जब कुछ आइटम्स जो इन्वेस्टिगेटर ने छोड़ दिए हैं, अगर उनको छोड़ने से उनका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आया है, तो फिर रैंडम सैंपलिंग होती है जिसमें हर आइटम के एक एक चीज को सिलेक्ट करा जाता है, हर कैटेगरी की एक एक चीज को सिलेक्ट करा जाता है और उसके ऊपर जो है सैंपलिंग करी जाती है. इसमें हर चीज का हर कैटेगरी के एक आइटम के सिलेक्ट होने के चांसेस पूरे होते हैं. Because the item selected on random may vary in size, it is just probable that the individual size taken together might give a representative group. जो भी individual है, अगर उसका size दिया जा रहा है, तो वो group को बताता है कि पूरे group के अंदर इसका क्या result है, पूरे group के लिए क्या result है. तो एक ही category के हर category के एक एक item को select करा जाता है randomly, एक के बाद एक उसकी study की जाती है, फिर उसके basis के ऊपर जो है results point out करे जाते हैं. Now, the chance of the selection of any one item is the same as sampling. The random sample generally illustrated by the method of drawing getting winner of a prize. Though it is easy to define a random sample in theory, it is yet to say. इसमें बस simple ये है कि जितने भी samples हैं सबका एक data लिया जाता है. This is random sampling. Now, the merits of random sampling. Merits of random sampling. Merits या advantages. First one is scientific method. Random sampling जो एक scientific method है. Taking out the sample, universe से हर item का एक sample लिया जाता है और यहाँ पर individual data के बहुत कम chances हैं. Individually एक एक को collect नहीं करा जाता, but हर data को लिया जाता है. जैसे individual के लिए जो भी results जो भी निकाले जाते हैं वो decisions वो accurate होते हैं. Sample error can be measured. Almost sampling method में जो भी sample method errors आए हैं, random sampling वो है जहाँ पर सारे variability पता चलती है, कितने तरह के items हैं, किस किस तरह की study करना है, ये सारी variability पता चलती है. Then the pattern of sampling variability only if the random sample is random. ये कब होता है, जब sample जो लिया जाए random one after one, तो उसके लिए ये बहुत easy है. हर चीज हर आइटम को सिलेक्ट होना है और उसके बेसिस पे ही रिजल्ट जो है वो डिले होना है, डिक्लेयर होना है. थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. रैंडमनेस इज मोर इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स प्राइमरी बिकॉज़ इफ द सैंपल इज रैंडम. थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल. थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने इससे पहले पढ़ा था. थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की एक चीज के कितने चांसेस हैं, क्या क्या हो सकता है. देख तो रैंडम सैंपलिंग जो है वो स्टैटिस्टिक्स में पॉसिबल होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, सपोज किसी की एक इनकम ज्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तो उसकी इनकम बढ़ेगी, दूसरा टैक्स पे करेगा तो गवर्नमेंट की इनकम बनेगी, ये भी प्रोबेबिलिटी है. थर्ड, अगर वो उसकी इनकम बढ़ रही है तो दूसरे की इनकम कम भी हो सकती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है. फोर्थ, कॉम्पिटिशन उसका ज्यादा हो रहा है. तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है वो भी रैंडम सैंपलिंग में इजिली स्टडी करा जा सकता है. रिप्रेजेंटेटिव ग्रेटर नंबर ऑफ द आइटम ऑफ सैंपल. ये बहुत ग्रेटर, एक छोटा सा सैंपल बहुत सारी चीजों का रिप्रेजेंटेटिव होता है और ये सिस्टम इकोनॉमिकल भी है क्योंकि हर इंडिविजुअल के बारे में, हर चीज के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करने की जरूरत नहीं होती, छोटे से सैंपल से इसको स्टडी करा जा सकता है. नाउ डीमेरिट्स. Few items are included. Random sampling में कुछ items ही include करे जाते हैं, सारे items include नहीं करे जाते. Sampling में हमें पता है तो कभी कभी कुछ items ऐसे होते हैं कि हो सकता है वो ज़्यादा important हो, जो select करे गए हैं उनसे ज़्यादा important हो, तो कभी इसमें chances रहते हैं कि result.
नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस सर्टेन डाटा रैंडम सैंपलिंग, कुछ ऐसे डाटा है जो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में है उसमें रैंडम सैंपलिंग पॉसिबल नहीं है, इसके बाद एक हर आइटम का कैलकुलेशन नहीं कराया जा सकता। नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव इफ द साइज ऑफ सैंपल, अगर सैंपल का साइज छोटा है और ग्रेट वेरिएबिलिटी यूनिवर्स में जो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका साइज बहुत बड़ा है तो सैंपल का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा उस पूरे यूनिवर्स का जिसके लिए उसको कलेक्ट करा गया है। प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, अगर यूनिट ऑफ सैंपल जिसमें सैंपल लिया जा रहा है, सपोज पॉपुलेशन का लिया जा रहा है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, अब अनएम्प्लॉयड जो है अब सोसाइटी थी कोई सी तो जहाँ पर बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं बहुत क्वालिफाइड लोग हैं वहाँ पूरे लोग एम्प्लॉयड हैं, उनकी सैंपल लेके स्टडी करके ये निकाला गया कि इंडिया में पूरे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट उन सोसाइटी से ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिसकी वजह से इसका रिजल्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो प्रॉब्लम सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है कि जो सैंपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टडी के लिए वो सैंपल जो है करेक्ट होना ज़रूरी है, अगर कोई मेन सैंपल अगर हमारा रह गया तो सैंपल का सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नो फ्री फ्रॉम बायस, रैंडम सैंपलिंग में बायस नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रही है तो गवर्नमेंट क्या कहती है हमारे यहाँ पूरे अनएम्प्लॉयड है, तो वो कौन कौन से सोसाइटी जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है पूरे लोग एम्प्लॉयड हैं वो उनकी कैटेगरी जो है वो प्रोवाइड कर देती है कि एम्प्लॉयड जो लोग सच में अनएम्प्लॉयड है उनकी प्रेजेंट ही नहीं करता उनका डाटा। इसलिए सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है बायस हो जाती है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो भी बायस हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है कभी कभी वो गलत प्रोवाइड कर देती है। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, जो हमने मेथड स्टडी करे थे स्टैटिस्टिक्स से डाटा कलेक्शन करने के, फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के जो दो मेथड थे हमारे सेंसस और सैम्पलिंग मेथड। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द टू। नेचर, सेंसस मेथड बहुत पुराना मेथड है जिसमें पूरी पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करा जाता है, सैम्पलिंग मेथड रिलेटिवली अभी हमारा नया आया है, सेंसस में पूरी यूनिवर्स मतलब जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरा इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट करा जाता है, और सैम्पलिंग में मैंने बताया कि यूनिवर्स में से सिर्फ मेन आइटम्स का सिलेक्शन होता है उस पर स्टडी होती है। सेंसस मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट होता है, और सैम्पलिंग मेथड में टाइम कम लगता है क्योंकि एक डाटा को बहुत सारी चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव मान के सिलेक्शन करा जाता है। सेंसस में लेबर भी ज़्यादा चाहिए, सैम्पलिंग में लेबर की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक स्पेशलाइज एक्सपर्टी की जरूरत होती है। इट रिक्वायर मोर ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी बहुत चाहिए होती है, और सैम्पलिंग मेथड में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल नहीं चाहिए होती। सेंसस मेथड में ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्यूरेसी के, बट सैम्पलिंग मेथड में एक्यूरेसी के बहुत कम चांसेस होते हैं। इट रिक्वायर्ड सेंसस मेथड में इन्वेस्टिगेटर्स बहुत सारे चाहिए होते हैं, सैम्पलिंग मेथड में लिमिटेड नंबर चाहिए होते हैं इन्वेस्टिगेटर के जो एक सैम्पल लेकर उसके ऊपर स्टडी कर सके। सेंसस मेथड ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ज़्यादा होते हैं, एरिया ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा होता है, सैम्पलिंग मेथड जो है एक सेंसस के कंपैरिजन में थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है। सेंसस मेथड में एरर आ सकते हैं, और अगर एक बार एरर आ गए तो उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, और सैम्पलिंग मेथड में एरर अगर आ जाते हैं तो उसका कैलकुलेशन करना ईजी होता है। इम्प्रेसिव सेंसस मेथड व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट ईच यूनिट इज इम्परेटिव, बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव मतलब एक्यूरेट है, अगर बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेना है तो उस सेंसस इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी जो इम्पेरेटिव नहीं हो पाता क्योंकि इसमें एक लिमिटेड एरिया की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और रिजल्ट जो है वो पूरे एरिया का निकाला जाता है। सो द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग क्लियर। नाउ द बेसिक स्टेटिस्टिकल लॉज,
बेसिक लॉज क्या हैं? फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एज वी स्टडीड अर्लियर कि एक चीज के क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होती हैं। सैंपल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी जो दूसरे आइटम से डिफरेंट है सैंपल में कितना इक्वल हो सकता है। इफ द सैंपल यूनिट आर सिलेक्टेड बाय रैंडम सैंपलिंग मेथड सैंपल विल नॉट कंसिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच दे आर इन द यूनिवर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इट कैन बी रीजनेबली अज्यूम दैट द सैंपल सिलेक्टेड रैंडम सिलेक्टेड यूनिवर्स। मतलब जो भी सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडम सैंपलिंग से सिलेक्ट करा गया हो या किसी और मेथड से सिलेक्ट करा गया हो अब उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आंसर जो है वो सही आ सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आंसर जो है वो सही नहीं हो इनकरेक्ट हो, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है चांसेस ज़्यादा हैं। एक रिजल्ट से तीन चार चीज़ों के चांसेस होते हैं जैसे हमने इससे पहले भी अभी डिफाइन एक्सप्लेन करा था। लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये लॉ स्टेट करता है कि कंसिडरेबल नंबर ऑफ एग्जाम्पल आर चूजन एट रेंडम। जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको रेंडमली सिलेक्ट करा गया है। अगर ये पूरे डाटा की रिप्रेजेंटेटिव है तो ही इन्हें सिलेक्शन करा गया है। अगर 100 लीव्स एक पेड़ से उतारे तोड़ी जाती हैं और ये देखा जाता है क्योंकि एवरेज लेंथ कितनी है, किसी की 8-6 है, किसी की 5 है, किसी की 4 है, तो एवरेज हमारी 5 मानेंगे। तो एज मच विल बी फाउंड सारी लीव्स जो ली गई हैं वो पूरे बाकी पूरे पेड़ की लीव्स में जो है वो क्या है वो रिप्रेजेंटेटिव हो सही। तो ये होता है स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी के रेगुलर में जो साइज एक के बाद एक हम ले रहे हैं रेंडमली सिलेक्शन कर रहे हैं तो पूरा वो कैलकुलेट सही हो। इसी तरह से वेजेस अगर देखे जाए किसी लेबर के एक फैक्ट्री में तो वेजेस किसी के 5000 है, किसी के 10000 है, किसी के 9000 है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम 10000 के अंदर अंदर वेजेस है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव लिया हमने, एक एवरेज लिया। तो वो एवरेज जो हम ले रहे हैं जिससे कैलकुलेशन कर रहे हैं जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे बाकी के जो रिप्रेजेंट जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी का जो होल इंफॉर्मेशन है वो उसी से रिलेटेड हो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा सैंपल सिलेक्ट करना, दिस इज रेगुलरिटी। इट हाउएवर डज नॉट मीन दैट द एग्जामिनेशन ऑफ एवरी नंबर ऑफ आइटम ऑफ द ग्रुप विल बी सिमिलर रिजल्ट। हर आइटम नंबर के ग्रुप का सिमिलर रिजल्ट निकलेगा, हर आइटम का रिजल्ट अलग निकलेगा, बट एक एवरेज निकाल लिया जाता है। नंबर शुड बी लार्ज एनफ। द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल लाइज इन द फैक्ट दैट इन अ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड अदर कंडीशन। क्या है इसमें ये बताया गया है कि कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रेगुलरिटी में कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी चीज़ों की नहीं करी जा सकती, कैलकुलेशन सिर्फ कुछ चीज़ों की करी जा सकती है क्योंकि जो भी डाटा है जो भी इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड एरिया में है, तो एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करा जाता है कि एक सैंपल ले लिया जाता है जिससे टाइम भी कम हो जाए मनी भी कम हो जाए और जो भी रिजल्ट लेना है फास्ट उनको रिजल्ट को जल्दी से ले लिया जाए। नाउ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर As we already know the figure with regard to the single phenomena are continually changing due to their being influenced by the number of causes. अभी हम इतना स्टडी करते चले आ रहे हैं स्टेटिस्टिक्स में कि जो भी लॉ है जो भी एक चीज़ कलेक्ट करी जा रही है वो हर पर्पज़ के हिसाब से चेंज हो रही है, जितने लॉज उसमें आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहे हैं। सो बाय नंबर ऑफ द आइटम्स आर कम्बाइंड इन लार्ज नंबर ऑफ केसेज। जब आइटम्स को ज़्यादा नंबर में केसेज में कलेक्ट करा जाता है तो इंडिविजुअल पेक्योरिटी या तो खत्म हो जाती है जब एक डाटा को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है एक इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर सेम ही डाटा दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहा है, फिर वही डाटा, तो बार बार एक ही डाटा जो है वो यूज़फुल नहीं होता। एक टाइम आता है जिसमें उनकी वैल्यू जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब हमें कोई भी चीज़ करने के लिए एक नया डाटा ही कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड हैज अ ग्रेट नंबर ऑफ द एवरेज रिजल्ट फ्रॉम नियरेस्ट स्टेशनरी। और जो भी रिजल्ट उससे निकाले जाते हैं वो भी सेम ही सेम आएंगे तो अब हमें डाटा को चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ वीट, अब हम फॉर एग्जांपल हर एरिया का वीट का प्रोडक्शन अलग है, हर गांव का वीट का प्रोडक्शन अलग है, अलग अलग एरिए का, बट द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वीट अगर हम ये देखें कि टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन वीट का कितना है तो वो एक ही निकलेगा। वो एक कैसे निकलेगा, सैंपल लिए जाएंगे, हर कंट्री से सैंपल लिया जाएगा कि आपके यहाँ टोटल वीट कितना है, आपके यहाँ कितना है, हर गाँव से नहीं लिया जाएगा बट एक एक सैंपल लिया जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम नेक्स्ट ईयर फिर करें कि लास्ट ईयर कितना उसका प्रोडक्शन हुआ था,
वीट का, अब वही प्रोडक्शन वही कैलकुलेट नेक्स्ट ईयर भी करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट सेम आएगा, बट वो जो लास्ट ईयर डाटा कलेक्ट करा गया था उसकी वैल्यू अब नेक्स्ट ईयर तक खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर उसकी नई वैल्यू आएगी जिसको कैलकुलेट करना होगा, जिसके बेसिस पे रिजल्ट्स निकालना होगा। ये लॉ ऑफ इनर्शिया जिसमें एक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो जो भी डाटा है उसकी वैल्यू एक टाइम पे आकर खत्म हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। नाउ स्टैटिस्टिकल एरर्स, अब स्टेटिस्टिक्स में एरर्स आ जाते हैं जो भी डाटा कैलकुलेट हो रहा है, वेदर इट इज अ प्राइमरी वेदर इट इज अ सेकेंडरी, कोई सा भी डाटा हो उसमें आप कुछ एरर्स भी आ जाते हैं, कुछ डाटा कलेक्ट करने में एरर्स आ जाते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट देम, देयर आर थ्री चीफ सोर्सेस ऑफ एरर्स, एरर ऑफ ओरिजिन, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी एंड एरर ऑफ मैनिपुलेशन। एक होता है एरर ऑफ ओरिजिन, डाटा को ओरिजिनली प्रोवाइड करने का एरर, डेट ऑफ इनएडिक्वेसी, एडिक्वेटली डाटा को कलेक्ट नहीं करा गया उसका एरर, इन द डाटा ऑफ मैनिपुलेशन, जो भी डाटा को मैनिपुलेट करा गया है, जो भी चेंज करा गया है वो होता है। तो एरर ऑफ ओरिजिन मे बी ड्यू टू बायस इन कलेक्शन, अनसुइटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग रॉड। एरर ऑफ ओरिजिन काहे से आता है, ओरिजिनलिटी में आता है, जो डाटा कलेक्शन करते टाइम ही अनसुइटेबिलिटी, मेजर उन्होंने सही से नहीं करा, या स्टाफ जो है ट्रेंड नहीं था, या डिफेक्टिव क्वेश्चनरी सिस्टम था, तो ये होता है डाटा ओरिजिन में डाटा की जो एरर आता है। एरर ऑफ इनएडिक्वेसी और ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ सैंपल डाटा और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और एरर ऑफ इनएडिक्वेसी का मतलब होता है, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी जब आता है कि जो भी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करा जा रहा है उसकी स्टडी सही से नहीं की गई है, इनएडिक्वेटली उसे कलेक्ट करा गया है, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एक पर्पज के लिए चाहिए। द थर्ड वन इज एरर ऑफ मैनिपुलेशन, मे बी द रिजल्ट ऑफ अनकॉन्शियस एरर इन मेजरिंग, मतलब मेजर करते वक्त डाटा कलेक्ट करते वक्त कोई अनकॉन्शियस रहा, उसने ध्यान नहीं दिया, इसी तरह कर लिया, रॉन्ग अप्रोक्सीमेट ले लिया और रॉन्ग मेथड को सिलेक्ट कर लिया कैलकुलेशन में। सो देयर आर ऑफ टू टाइप्स, बायस्ड एरर और अनबायस्ड एरर। बायस्ड एरर मतलब पार्शियल एरर्स, जो जानबूझकर इन्वेस्टिगेटर ने जानबूझकर पार्शियलिटी करी है ऑन द अकाउंट ऑफ सर्टेन बायस प्रेजुडाइज, कोई भी चीजें प्रेजुडाइज कर रहा है, सपोज किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना है, एक फॉर्म में उसकी इंफॉर्मेशन लेना है, उसकी इनकम कितनी है, अब वो फॉर्म जो है उनके रिलेटिव या फ्रेंड या किसी भी वजह से उन्होंने उसकी इंफॉर्मेशन, उनकी इनकम को कम शो कर दिया, इन्वेस्टिगेटर ने कम शो कर दिया, तो गवर्नमेंट ने कम टैक्स लगाया, तो ये बायस हो जाता है, पार्शियल हो जाता है। कभी किसी चीज की, कभी किसी की क्या है, कोई दूसरे प्रॉब्लम है या उन्होंने उनको सही डील नहीं करा, तो वो उनके लिए क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम शो कर देंगे, तो ये होता है पार्शियलिटी। जब इन्वेस्टिगेटर किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते टाइम पार्शियल हो जाता है तो वो होती है हमारी बायस एरर्स, जानबूझ के उन्होंने गलती करी, जानबूझ के उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है डाटा जो है गलत प्रेजेंट करा, दैट इज बायस एरर। नाउ अनबायस एरर होते हैं जो पार्शियल तो नहीं हुआ इन्वेस्टिगेटर, बट कलेक्शन ऑफ डाटा में इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेटर थे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ सिचुएशन फ्लक्चुएट हो गई जिसकी वजह से वो सही से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। सच एरर्स आर ड्यू टू द सर्टेन फैक्टर्स ओवर द व्हिच द इन्वेस्टिगेटर हैज नो कंट्रोल, ऐसे फैक्टर जिस पे जो इन्वेस्टिगेटर था उसका कोई कंट्रोल नहीं था। एरर आर कम्युनिकेट पॉजिटिव एरर भी हो सकते हैं, नेगेटिव एरर भी हो सकते हैं, और ये एरर जो है कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज एरर ऑफ एरर इज मिनिमाइज, अगर ऑब्जर्वेशन दोबारा करी जाए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होगी तो ये एरर जो है वो कम हो सकती है। So these are the two types of errors of statistics. Now methods of census 2.28. Methods of census. Methods of census means दो मेथड है सेंसस इन्वेस्टिगेशन के, अभी सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन के बड़े पर्पसफुल रैंडम, अब हमारा है मेथड ऑफ सेंसस। एक होता है डी फैक्टो मेथड और एक होता है डी जूअर मेथड। डी फैक्टो मेथड जो था वो 1931 से पहले करा जाता था। इस मेथड में सारे पीपल की हर कंट्री में इंक्वायर पीपल की काउंटिंग होती थी, और काउंटिंग किस तरह होती थी, एक
कलेक्ट होते थे, वहाँ वन बाय वन सबसे इंफॉर्मेशन ली जाती थी। और डीजीओ मेथड जो है वो 1931 के बाद स्टार्ट हुआ। सारे पीपल जो हैं डोमिसाइल आर प्री डिटरमाइंड पीरियड, दिस मेथड फॉलोड बाय 90 डाटा इज कलेक्टेड। जो डाटा है वो गवर्नमेंट पब्लिश कर देती है, जिस जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सच डाटा, वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च है, सेकेंडरी डाटा, और इसकी रिसर्च भी होती है सेकेंडरी डाटा के हिसाब से यूज करने में। तो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन। सो द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, फर्स्ट द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के मेथड्स हैं हमारे सेंसस इन्वेस्टिगेशन एंड सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में हमारा पर्पस इज मेथड और रैंडम सैम्पलिंग। सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिस तरह से डाटा को कलेक्ट करा जाता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा जाता है और फिर उसे अपने पर्पस के लिए यूज करा जाता है। दिस इज मोस्टली यूज इन द इकोनॉमिक्स बाय द इकोनॉमिस्ट और बाय द गवर्नमेंट। So we have completed our chapter number 2, collection of data. I hope you all have understood the chapter. This is enough for today.